मैं हूँ कायरात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रो विद मी। तो मेरे एक्चुअली मेरे काफ़ी देर से आपने मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रही, नई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, आप कंटेंट सर्च कर रही हैं, क्या इशू है। मैंने कंटेंट तो मैं रोज़ का रोज़ सर्च करती थी, एक्चुअली मैं फैमिली में शादी में बिजी थी तो इस वजह से सॉरी मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो एक कुछ क्वेश्चंस ये भी थे मेरे जो मैंने आज आप लोगों को बताने हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि आप पहले ब्यूटी टिप्स बता रही थी, होम रेमेडीज़ बता रही थी, अब आप एक्सरसाइज। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये कह दिया था कि मैं रेमेडीज़ जो जो मुझे मेरी नॉलेज है मैं बताऊँगी। मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट और ब्यूटी टिप्स और होम रेमेडीज़ मेरा अपना शौक था, मैंने उसे शौक से सीखा है और काफ़ी मामा से भी और लोगों से भी काफ़ी इसके टिप्स दिए हैं। तो चलिए आइए, आप पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज का हमारा जो है टॉपिक वो है होम रेमेडी भी है और इसमें होम रेमेडी है नी पेन के लिए, जिनको नी जॉइंट में पेन रहता है उसी के लिए मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊँगी। और उस एक्सरसाइज के लिए आप चलिए आप मिलिए, ये है हमारी मॉडल। आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए अब आप यहाँ पे ये जो मैट है इस पर आपने स्ट्रेट लाइन में लेट जाना है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये नी पेन के लिए, जिनको नी में पेन रहता है, नी जॉइंट्स में पेन रहता है और जिनको इंजरी की वजह से स्वेलिंग होती है, आपने स्ट्रेट लेटना है। उसके बाद आपने जो पेनलेस लेग है उसको बेंड करना है और जो जो पेनफुल लेग है नहीं ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ी सी ऊपर 30 डिग्री के लिए थोड़ा सा ऊपर इसको स्ट्रेट लेग को हमने जो पेनफुल है उसको ऊपर उठाना है बस स्ट्रेट लेग। तो ऊपर जब हमने उठाना है तो 10 सेकंड के लिए हमने ऐसे ही होल्ड रखना है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 और ये है हमारी स्ट्रेचिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ कॉर्डर। तो अब चलिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। उसके लिए आपने क्या करना है, खड़े हो जाना है, इस एक्सरसाइज का नाम है स्टेप एक्सरसाइज, स्टेप अप। आपने इस तरह करना है कि एक कोई भी चाहे स्टेयर का यूज़ करें, इसके 2 स्टेप हैं मैं आपको बताती चलूँ, चाहे स्टेयर का यूज़ करें या आपने क्या करना है, दोनों हैंड से अपनी इसको होल्ड कर लेना है अपनी कमर को। उसके बाद आपने एक पाँव ऊपर और एक पाँव इस तरह नीचे करना है, इस तरह आप 10 टाइम्स रेपिटेशन भी कर सकते हैं। और इसका सेकेंड मैं आपको पार्ट बता रही हूँ इसी एक्सरसाइज का, जो है स्टेयर्स पे आप स्टेपिंग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक लेग को होल्ड किया 10 सेकंड के लिए, फिर दूसरी लेग को होल्ड करना है बस। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर कितनी हो गई, 3। हाँ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। अब हमने क्या करना है, वॉल स्क्रैच। अब हमने इसके लिए क्या करना है, हमने ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाना है जी, ऐसे हमने नहीं लेग आपकी थोड़ी ओपन होनी चाहिए, लेग को ओपन करें जी, और आपका हेड जो है वॉल की तरफ टच होना चाहिए, हाँ वॉल की तरफ ऐसे ही टच होते होते हमने नहीं सी सही से बैठे जैसे आप चेयर पे बैठती हैं, और थोड़ा बैठना ऐसे जी, और लेग ओपन होनी चाहिए, लेग ओपन होनी चाहिए जी, लेग ओपन करें, वॉल के साथ सर टच होना चाहिए उसको हमने ऐसे, हाँ इसलिए इस तरह हमने 10 सेकंड बैठना है। और फिर हमने इस तरह के जितने आप स्टार्टिंग में हो सके लेकिन इसके हमने 10 रेपिटेशन लास्ट भी करने हैं। और ये हमारी कितनी एक्सरसाइज हो गई, 4। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ। अब आइए आप एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 कौन सी थी, आपको मैंने बताया था आप भूल गई, उसके लिए हमने लेटना है स्ट्रेट, चले हमने स्ट्रेट लेटना है। और इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली हमारी समझे पेनफुल लेग है और सेकंड वाली जो है हमारी पेनलेस है, तो हमने जो पेनफुल लेग होगी उसके नीचे हमने कोई भी रोलर, या इस टाइम मेरे पास रोलर अवेलेबल नहीं है, जैसे रोल पिलो होते हैं वो हमने रख लेना है। और उसके साथ हमने दोबारा हमने ये आप लेग लिफ्ट करो, नहीं नहीं स्ट्रेट वाली, नीचे वाली ये जो आगे वाली आपकी बेंडिंग होनी चाहिए जी। अब इस तरह हमने करना है स्ट्रेट वर्क करो, इसके नीचे हमने क्या रखना है, कोई भी आप बॉल रख लें या पिल्लो रख लें या टॉवल रख लें, तो आपने उसको साथ रखने के बाद हम आपने लेग उठानी है, हाँ इसको थोड़ा ज़्यादा उठाना है बस। चलें ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जाना है हमारी होम रेमेडी की तरफ। तो हमारी होम रेमेडी को क्या है आज की,
बताती चलूँ होम रेमेडी, जिससे पहले मैं आपको पहले ये बताती चलूँ कि हमने पहले सबसे पहले आइसिंग, जिनको नी ज्वाइंट स्पेशली उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनकी आइसिंग रहती है, जिनको पेन होता है बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में, उनके लिए आपने इस तरह का कोई भी थिन टॉवल ले लेना है। थिन टॉवल के लिए ये हमने आइस क्यूब यूज़ करने हैं। ये एक आइस क्यूब मैं ले लेती हूँ, इसको लेकर आपने जितनी मतलब के काफ़ी इसके इस तरह के पीसेस ले लेने हैं, और इसको लेने के बाद आपने ये देखें इस तरह करने के बाद आपने जो हमारा नी जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है समझे, तो इसके ऊपर हमने ऐसे 15 to 20 minutes हमने मैक्सिमम हमने इस पर आइसिंग करनी है। इसके बाद अगर ये आइसिंग मेल्ट हो जाए फिर आप आइसिंग और ले सकते हैं, लेकिन 15 to 20 minutes आपने रोज़ रेगुलर करनी है एक्सरसाइज के बाद। तो ये हो गई हमारी आइसिंग। उसके बाद जो हमारी रेमेडी है, ये जो है ये आप पहले मैं आपको बता दूं, जिनके बीपी हाई रहता है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जो जिंजर है उससे थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये है कि वो हनी प्योर लें अगर मिल सकता है तो, नहीं वरना वो हनी ये वाले जो होते हैं मरहबा करशी जिनके भी होते हैं वो स्किप कर दें, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले लेना है, पहले हमने ये ग्लास लेना है खाली, हमने इसमें वन टेबल स्पून हमने पहले इसमें, ये मैंने वन टेबल स्पून पहले इसको क्रश कर लिया था, वन टेबल स्पून हमने जिंजर लेना है, ये वन टेबल स्पून हमने जिंजर ले लिया। इसके साथ ही हमने क्या करना है, ये वार्म वाटर लेना है, हॉट होना चाहिए, सॉरी फुल हॉट होना चाहिए, मैंने इसको गर्म कर लिया था। ये लेकर हमने इसके बाद इसको 2 minutes के लिए कवर कर देना है, 2 minutes के लिए हमने इसको कवर कर देना है। 2 minutes को कवर करने के बाद हमने इसको अंदर हमने इस कप के लिए, इस कप में हमने लेने हैं, अगर आपको शुगर है तो काइंडली आप प्योर लें और वो भी 1 teaspoon इनफ है, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आपने क्या करना है, 1 tablespoon ले लें, या जितना आपको टेस्ट का हो, कि आपको जिंजर का टेस्ट ना इतना अच्छा लग रहा हो तो आप ये ले सकते हैं। आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लेमन का यूज़ नहीं कर सकती, लेमन सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने लेमन का इसलिए, क्योंकि हमारा टेस्ट इनको नहीं पसंद तो वो हम लेमन कर सकते। इसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके इसके बाद हमने डाल लेना है, क्योंकि 2 minutes का अभी हमारे 2 minutes नहीं हुए, तब तक मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। पिछले लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जो आपने एक्सरसाइज करवाई है ये बच्चों के लिए नहीं है, मुझे भी पता है ये बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो उनकी ग्रोइंग एज होती है एक्चुअली। तो हमने जो ये मैंने सिर्फ एज अ मॉडल अपनी भांजी को मॉडल के तौर पर बताया था, क्योंकि मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी इसलिए, तो वो जो ड्रिंक है वो हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को बोन का इशू इस एज पर बहुत कम होता है, वो बहुत रेयर केसेज होते हैं बच्चों को, वरना ऐसा इशू नहीं होता। तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि बच्चों को इशू अगर होगा भी तो उनकी विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, आप दूध से उनका इंशाल्लाह कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, आप कैल्शियम दे डॉक्टर्स को चेकअप करवाएं, लेकिन बच्चों को कम होता है वो। मैंने 30 after 20, जिनको 25, 30, 40, 50, 60 हर एज से अबव वुमेन मैन के लिए बताए थे, ये जो एक्सरसाइज जितनी बताती हूँ बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैं बच्चों के ऊपर आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए बता रही होती हूँ, ट्रेनिंग के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और दूसरी बात, जो ये भी जो ड्रिंक है होम रेमेडी, ये भी बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, वो दूध वाली आप बच्चों को दे सकते हैं, उसमें क्योंकि मैंने किशमिश यूज़ की थी तो उसके कोई नुकसान नहीं, और ब्लैक सीड तो आपको पता है ये तो हमारी सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये हमारे जो 2 minutes हो चुके हैं, 2 minutes के लिए हमने इसको कवर कर दिया था, तो हमने इसको इसके अंदर स्टेन कर लिया। सॉरी थोड़ा सा मेसी हो गया है, क्योंकि जब वीडियो बनानी हो तो बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। ये देखें हमारी जिंजर टी तैयार है। ये हम दिन में विंटर्स में स्पेशली जिनको बीपी के पेशेंट ना हो वो दिन में 2 to 3 times लें, इंशाल्लाह आपका जो नी जॉइंट का पेन है वो ऐसे जाएगा। तो ये हमने विंटर्स में लेनी है दिन में 2 to 3 times, पानी हॉट होना चाहिए, और इसको हनी को हमने घर के भी पानी के अंदर पकाना नहीं है, बस हमने ऐसे इसको डाल के मिक्स कर लेना। इसके बाद हमने दोबारा इसको गर्म कर, ठंडी हो जाए तो दोबारा इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि हनी कभी भी डाल के चाय के अंदर कभी भी हम उसे दोबारा गर्म नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की टिप्स, होम रेमेडी और हमारी एक्सरसाइजेज, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और बहुत इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, उसके लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए। खुदा हाफिज़।